Hello guys, myself vanesh. Today we are going to start a basic topic, flute. Lockdown mein aap bore ho rahe honge, aapke study ko continue karne ke liye aaj basic topic start karte hain nursing ke andar flute, jo ki exam point of view se bahut important hai. Yes, flute ki agar hum baat kare to flute kitne prakar ka hota hai. To flute kya hai, pehle to flute ki baat kare hum. Flute hamari body ke andar न्यूट्रिएंट को सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है. तो एनर्जी जो है और इलेक्ट्रोलाइट्स है उनको सेल तक पहुंचाने का काम कौन करता है? दैट इज डन बाय योर फ्लूइड. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्लूइड? फ्लूइड दो प्रकार का होता है, एक तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड और दूसरा होता है आपका इंट्रासेल्युलर फ्लूइड. वन इज योर ECF, अनदर वन इज योर ICF. अगर मैं टोटल बॉडी वेट की बात करूं तो टोटल बॉडी वेट का फ्लूइड कितना होता है? तो टोटल बॉडी वेट की बात की जाए तो बॉडी वेट का जो फ्लूइड होता है वो 60% होता है. तो मान लीजिए अगर आपका वेट 100 kg है तो बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होगा वो अप्रॉक्स 60 लीटर होगा. तो ये आपका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो गई. तो 60% टोटल बॉडी वेट का फ्लूइड होता है, राइट? ये तो बात हुई एडल्ट की. लेकिन अगर मैं बात करूं न्यूबॉर्न और न्यूनेट की तो दे हैव 80% ऑफ टोटल बॉडी फ्लूइड, 80% ऑफ टोटल बॉडी फ्लूइड. और अगर मैं बात करूं ओल्डर एडल्ट की तो ओल्डर एडल्ट मतलब बुड्ढे 60 ईयर से ऊपर, उनके अंदर होता है 55% ऑफ टोटल बॉडी वेट. तो दैट मीन्स एडल्ट के अंदर तो हुआ 60%, पूछा जाता है क्वेश्चन, तो एडल्ट के अंदर हुआ 60%, ओल्डर एडल्ट के अंदर हुआ 55% और न्यूबॉर्न के अंदर हुआ 80% ऑफ टोटल बॉडी वेट, राइट? अब ये आपका 60% एडल्ट के अंदर है. तो इस फ्लूइड को हमने दो भागों में डिवाइड किया गया, वन इज योर ICF अनदर वन इज योर ECF. अब ज़्यादा फ्लूइड कौन सा होता है, ECF होता है या ICF होता है? तो इसके बारे में बताएंगे. तो सबसे ज़्यादा फ्लूइड होता है वो होता है आपका ICF. तो टोटल बॉडी वेट का, सॉरी टोटल फ्लूइड का तो 70% और बॉडी वेट का 42%. दोनों क्वेश्चन याद रखना, अगर टोटल बॉडी फ्लूइड का ICF कितना होता है तो टोटल बॉडी फ्लूइड का तो 70% होता है और टोटल बॉडी वेट का, बॉडी वेट का 42%. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा गया कि बॉडी वेट का ICF कितना होता है, ICF, तो आपका जवाब क्या होगा? बॉडी वेट का ICF कितना होता है? तो बॉडी वेट का ICF होता है 42%. और अगर आपको पूछा जाए कि बॉडी फ्लूइड का, टोटल बॉडी फ्लूइड का ICF कितना होता है, टोटल बॉडी फ्लूइड का ICF कितना होता है, तो दैट इज योर 70%. तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, या तो 42% पूछेगा या फिर आपको पूछेगा 70%. तो बॉडी फ्लूइड के हिसाब से पूछे टोटल बॉडी फ्लूइड का ICF कितना होता है तो आंसर होगा 70%, लेकिन टोटल बॉडी वेट का ICF कितना होता है तो आंसर होगा 42%. उसी तरह ECF की बात करें, ECF टोटल बॉडी फ्लूइड का 30% होता है, बॉडी फ्लूइड का. और अगर हम बात करें टोटल बॉडी वेट का तो बॉडी वेट का कितना होता है, बॉडी वेट का 18%. तो टोटल बॉडी वेट का ECF हो गया 18% बॉडी वेट. तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, अगर बॉडी वेट के हिसाब से पूछे ECF तो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग तो ECF हो गया 18% और टोटल बॉडी फ्लूइड का कितना होता है तो बॉडी फ्लूइड का हो गया 30%. तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि बॉडी फ्लूइड और बॉडी वेट. चलो नेक्स्ट, अब ECF को फिर अलग अलग भागों डिवाइड किया गया, ECF को फिर अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है. ECF अब कितने भागों में डिवाइड है? ECF फिर तीन भागों में डिवाइड है. ECF डिवाइडेड टू द थ्री पार्ट्स. अब वो तीन भाग कौन कौन से हैं, समझे इसको. देखो, एक तो हुआ आपका इंटरस्टीशियल. अब इंटरस्टीशियल फ्लूइड कितना होता है, दैट इज योर 22%. दूसरा हुआ आपका इंट्रावास्कुलर
इंट्रावास्कुलर, दैट इज योर 6%। और तीसरा हुआ आपका, एक हुआ इंटरस्टिशियल, दूसरा हुआ इंट्रावास्कुलर, तीसरा हुआ आपका ट्रांससेल्युलर। और ट्रांससेल्युलर कितना होता है, दैट इज योर 2%। जैसे कि आपका साइनोवियल फ्लूड है ना, तो साइनोवियल फ्लूड है, तो ये आपका ट्रांससेल्युलर के अंदर आ गया। तो देर इज ECF, ECF को फिर तीन भागों में डिवाइड किया गया है, इंटरस्टिशियल फ्लूड जिसको अपन थर्ड स्पेसिंग भी बोलते हैं, इसी को अपन थर्ड स्पेसिंग बोलते हैं। तो थर्ड स्पेस के अंदर 22%, इंट्रावास्कुलर जो है वो आपका 6%, जो ब्लड वेसल विद इन द ब्लड वेसल, विद इन ब्लड वेसल। और कैविटीज के अंदर जैसे आपका साइनोवियल फ्लूड है, तो दैट इज योर 2%। तो 22 + 6 = 28 + 2 = 30%। तो ये आपका ECF हो गया 30%। इज इट क्लियर? चलो, तो ये बात हो गई फ्लूड की। फ्लूड हम की बात करी हमने, फ्लूड के अंदर दो प्रकार का फ्लूड, ECF और ICF। ECF 30% होता है टोटल बॉडी फ्लूड का, और बॉडी वेट का होता है 18%। उसी तरह ICF टोटल बॉडी फ्लूड का तो 70% होता है, लेकिन बॉडी वेट का 42% होता है। उसके बाद इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया, इंटरस्टिशियल फ्लूड, इंट्रावास्कुलर फ्लूड एंड ट्रांससेल्युलर फ्लूड। चलो, यहां तक की बात समझ में आ गई होगी आपको। तो अब बात करते हैं ECF और ICF की। तो जनरली पूछा जाता है कि ECF, एक क्वेश्चन आता है मोस्ट एबंडेंट केटायन, मोस्ट एबंडेंट केटायन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूड, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट एबंडेंट एनायन ऑफ ICF। तो एनायन क्या होता है और केटायन क्या होता है, जिनको कंफ्यूजन है उनको बता देता हूँ। एनायन, एनायन को ए लिखें और ये इसके अंदर नेगेटिव का मार्क है इस तरीके से। तो एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज और केटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो मोस्ट एबंडेंट एनायन, केटायन ऑफ ECF, मोस्ट एबंडेंट एनायन ऑफ ICF। उसी तरह तीसरा क्वेश्चन आता है मोस्ट एबंडेंट केटायन ऑफ ICF। और चौथा क्वेश्चन आता है मोस्ट एबंडेंट एनायन ऑफ ICF। तो ये तीन क्वेश्चन आते हैं, सॉरी चार क्वेश्चन, तो केटायन एनायन, केटायन एनायन। तो ECF के अंदर कौन सा एबंडेंट केटायन होगा, ECF के एनायन कौन सा होगा, उसी तरह ICF के अंदर कौन सा केटायन होगा और एनायन। ये चार क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, एम्स दिल्ली के अंदर भी आ रखा है, ये BHU के अंदर भी आ रखा है, और ESIC 2012 गुजरात के अंदर भी पूछा गया है। तो कई एग्जाम्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बैठता है। तो पहले देख लेते हैं कि ECF और ICF की ऑस्मोलिटी कितनी होती है। तो अगर मैं बात करूँ ECF की, तो ECF की ऑस्मोलिटी होती है वो होती है 308 मिली ओस्मोल पर लीटर। उसी तरह ICF की ऑस्मोलिटी होती है वो होती है 400 मिली ओस्मोल पर लीटर। ये बात कम लोग जानते हैं कि ECF और ICF की ऑस्मोलिटी, जनरली तो हम बॉडी फ्लूड की जानते हैं जो, और बॉडी फ्लूड की एवरेज जो ऑस्मोलिटी हम कैलकुलेट करते हैं वो बॉडी फ्लूड की हम मानते हैं 372 to 310 मिली ओस्मोल पर लीटर। और एग्जैक्ट की अगर मैं बात करूं तो दैट इज योर 287 मिली ओस्मोल पर लीटर। तो दो बातें हो गई, वन हो गई ECF और दूसरी बात हो गई आपकी ICF। तो अब चलो चलते हैं ECF की तरफ। तो ECF के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, मैंने आपको बताया ECF की ऑस्मोलिटी कितनी बताई, 308 मिली ओस्मोल पर लीटर। तो अब जाहिर सी बात है जब 308 है तो इसके अंदर 50% तो केटायन होंगे और 50% एनायन होंगे। अब केटायन की बात करें तो मोस्ट एबंडेंट केटायन इन ECF, तो दैट इज योर सोडियम। और ECF के अंदर सोडियम कितना होता है, तो ECF के अंदर सोडियम होता है 142 मिली ओस्मोल पर लीटर, 142 मिली ओस्मोल पर लीटर। केटायन की बात करें दूसरा केटायन है पोटेशियम, और पोटेशियम कितना होता है, 5 मिली ओस्मोल पर लीटर, मिलीमोल के दो मिलीमोल पर लीटर, मिलीमोल पर लीटर। और उसके बाद है अगला कैल्शियम, अगेन 5 मिलीमोल पर लीटर, एंड मैग्नीशियम दैट इज योर 2 मिलीमोल पर लीटर। तो कुल मिला के हो गई आपकी 154
मिलीमोल पर लीटर। तो दैट इज द कैटायन विच प्रेजेंट्स इन, ये हैं आपके कैटायन्स जो ईसीएफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ईसीएफ के अंदर एनायन कौन कौन से होते हैं ये भी जरूरी है। ईसीएफ के अंदर एनायन कौन कौन से होते हैं, तो ईसीएफ की मैंने ऑस्मोलिटी कितनी बताई, 308 मिली ओसमोल पर लीटर, जिसके अंदर आपका 142 कैटायन थे, आपके टोटल 154 मिली मोल पर लीटर, जिसमें 142 तो था सोडियम, पोटेशियम था 5 मिली मोल, कैल्शियम था 5 मिली मोल एंड मैग्नीशियम था 2 मिली मोल। उसी तरह एनायन की बात करें तो अब आपका आंसर क्या हुआ, मोस्ट एबंडेंट कैटायन ऑफ ईसीएफ दैट इज योर सोडियम, राइट आंसर होगा आपका सोडियम, ये कितना होता है 142। अब आगे बात करते हैं एनायन की, तो एनायन की बात करें अगेन, एनायन भी कितने होंगे, 308 था तो 154 मिली ओसमोल पर लीटर, राइट। तो अब इसके अंदर बात करें हम, तो अब एनायन कौन कौन से, तो पहला एनायन है क्लोराइड दैट इज योर 103 मिलीमोल पर लीटर, दूसरा एनायन है बाइकार्बोनेट दैट इज योर 26 मिलीमोल पर लीटर, तीसरा एनायन है तो ये हो गया 103 फॉस्फेट 2 मिलीमोल पर लीटर, चौथा एनायन है सल्फेट 1 मिलीमोल पर लीटर, पांचवा एनायन है ऑर्गेनिक एसिड दैट इज योर 5 मिलीमोल पर लीटर, एंड लास्ट है प्रोटीनेट, प्रोटीनेट और वो है आपका 20, लास्ट है आपका प्रोटीनेट। सेवेंटीन मिलीमोल पर लीटर, 17 मिलीमोल पर लीटर, तो कुल मिला के हो गया आपका 154 मिलीमोल पर लीटर। तो दैट इज कैटायन एंड एनायन, ईसीएफ के अंदर कैटायन कितने हैं और ईसीएफ के अंदर एनायन कितने हैं। तो अगर हम बात करें कैटायन की, तो कैटायन आपका हो गया 154, एनायन हो गया आपका 154, उसमें क्लोराइड। तो अब आपको पूछा जाता है मोस्ट एबंडेंट कैटायन सोडियम एनायन क्लोराइड, तो अगर और डीपली जाए तो आपको पूछ सकते हैं कि ECF के अंदर एनायन या क्लोराइड का कंसंट्रेशन कितना होता है। तो ECF के अंदर क्लोराइड का कंसंट्रेशन होता है 103 मिलीमोल पर लीटर, और ECF के अंदर एनायन का कंसंट्रेशन, उसमें भी सोडियम का पूछा जाए तो 142। तो अब आपको यहां बात करूंगा मैं मोस्ट एबंडेंट कैटायन ऑफ ECF दैट इज योर सोडियम, उसी तरह मोस्ट एबंडेंट एनायन ऑफ ECF दैट इज योर क्लोराइड, इज इट क्लियर। चलो अब बात करते हैं हम, तो आपको समझ में आ गया होगा ECF का, ECF के बाद अगला है आपका ICF, और मैंने आपको बताया कि ICF की ऑस्मोलिटी जो होती है वो होती है 400 मिली ओसमोल या मिलीमोल पर लीटर, इसका मतलब इसमें भी आपका अगेन कैटायन एंड एनायन, कैटायन कितने हुए, कैटायन हुए आपके 200 मिलीओस्मोल पर लीटर और एनायन हुए आपके 200 मिलीओस्मोल पर लीटर, 200 मिलीओस्मोल पर लीटर। तो अब अगर हम बात करें कैटायन, तो अब देख लेते हैं इंट्रासेल्युलर फ्लूड के अंदर कैटायन कौन कौन से हैं। तो जाहिर सी बात है इंट्रासेल्युलर के अंदर आपका पहला है पोटेशियम, और पोटेशियम होता है 150 मिलीओस्मोल पर लीटर, दूसरा आपका मैग्नीशियम और यह आपका 40 मिलीओस्मोल पर लीटर, और तीसरा आपका सोडियम 10 मिलीओस्मोल पर लीटर, तो कुल मिला के होगी 200। तो अब आपको पूछा जाए कि इंट्रासेल्युलर के अंदर मोस्ट एबंडेंट कैटायन कौन सा है, तो दैट इज योर पोटेशियम, और कितना 150 मिलीओस्मोल पर लीटर, राइट। उसी तरह हम बात करें एनायन की, तो एनायन की अगर मैं बात करूं तो एनायन के अंदर फॉस्फेट एंड सल्फेट, तो ये हो गए आपके कितने 150 मिलीओस्मोल पर लीटर,
फॉस्फेट एंड सल्फेट, दूसरा आपका बाइकार्बोनेट, दैट इज 10 मिलियोस्मोल पर लीटर, और तीसरा आपका प्रोटीनेट 40 मिलियोस्मोल पर लीटर। तो कुल मिला के आपका होगा 200 मिलियोस्मोल पर लीटर। तो अब आपको मोस्ट एबंडेंट एनायन इन आईसीएफ इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, तो आपका जवाब होगा फॉस्फेट एंड सल्फेट, और उसमें भी अगर आपको ज्यादा करेक्ट चूज करना है तो दैट इज योर फॉस्फेट, राइट। तो अब आपका यहां पे हुआ मोस्ट एबंडेंट कैटायन ऑफ आईसीएफ, तो आईसीएफ का मोस्ट एबंडेंट कौन सा हुआ, दैट इज कैटायन की बात करें तो पोटेशियम, और मोस्ट एबंडेंट एनायन की बात करें तो दैट इज योर फॉस्फेट एंड सल्फेट, फॉस्फेट एंड सल्फेट। तो ये बेसिक बात हुई आपकी फ्लूइड की, फ्लूइड के बारे में कि फ्लूइड आपका कितने प्रकार का फ्लूइड होता है, और फ्लूइड के अंदर कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है, ईसीएफ कितना होता है, आईसीएफ कितना होता है, राइट। ईसीएफ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है, आईसीएफ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है, ईसीएफ के अंदर ऑस्मोलिटी कितनी होती है, आईसीएफ के अंदर ऑस्मोलिटी कितनी होती है, और अगर टोटल बॉडी फ्लूइड की एवरेज ऑस्मोलिटी की बात करें तो वो कितनी होती है। तो एवरेज आपको बता दी 287 टू 310 मिलियोस्मोल, और एग्जैक्ट की बात करें तो 287 मिलियोस्मोल पर लीटर। चलो आगे बात करते हैं। अब अगली इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड रिक्वायरमेंट, अक्सर क्वेश्चन आता है फ्लूइड रिक्वायरमेंट का, फ्लूइड रिक्वायरमेंट के बारे में पूछा भी गया है, बॉडी फ्लूइड रिक्वायरमेंट, बॉडी फ्लूइड रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक तो न्यूबॉर्न के अंदर, न्यूबॉर्न की बात करें तो न्यूबॉर्न के अंदर कितना होता है, न्यूबॉर्न दैट इज योर अप्रॉक्स 80 to 100 ml पर केजी पर डे, 0 to 1 ईयर दैट इज 100 to 150 ml पर केजी पर डे, 1 to 2 ईयर 100 to 125 ml पर केजी पर डे, 2 to 10 ईयर दैट इज अगेन रिड्यूस्ड 75 to 100 ml पर केजी पर डे, 11 to 18 ईयर दैट इज योर 50 to 75 ml पर केजी पर डे, और अगर मैं एडल्ट की बात करूं तो एडल्ट के अंदर जो नॉर्मल फ्लूइड रिक्वायरमेंट होती है वो होती है आपकी 40 to 50 ml एल पर के जी पर डे। ये क्वेश्चन आपका बी एच यू के अंदर आ रखा है कि न्यूबॉर्न के अंदर डेली फ्लूइड रिक्वायरमेंट कितनी होती है, तो दैट इज योर हाउ मच न्यूबॉर्न के अंदर होती है 80 to 100 ml पर के जी पर डे। चलो यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। तो आपको बेसिक बात करी मैंने ईसीएफ आईसीएफ टोटल बॉडी फ्लूइड और उसकी ऑस्मोलरिटी की, और फ्लूइड रिक्वायरमेंट कितनी होती है। अब हमारा टोटल बॉडी फ्लूइड रिक्वायरमेंट कितना है और कितना हम एक्सक्रीट करते हैं, टोटल इनटेक कितना है और टोटल आउटपुट कितना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अब आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं हम इनटेक और आउटपुट की। तो अब मैं बात करूँगा टोटल इनटेक की। अब टोटल इनटेक हम कैसे ले सकते हैं, टोटल इनटेक, अब टोटल इनटेक की बात करें तो टोटल इनटेक हम कितना लेते हैं, तो इंजेस्टेड वाटर, इंजेस्टेड वाटर, तो इंजेस्टेड वाटर से कितना लेते हैं, तो दैट इज योर 1200 से 1500 ml इंजेस्टेड वाटर से। उसके बाद आपका नेक्स्ट इंजेस्टेड फूड, इंजेस्टेड फूड से कितना लेते हैं, 800 से 1100 ml। और अगला और फूड कहां से प्रोड्यूस होता है, तो मेटाबॉलिज्म से, आपको याद होगा मेटाबॉलिज्म जिसके अंदर फाइनल प्रोडक्ट बनता है CO2 एंड H2O, तो वो H2O बनता है वो अप्रोक्स बनता है 300 ml पर डे। तो आपका टोटल इनटेक हुआ 2300 से लगाकर 2900 ml, 2300 से लगाकर
1900 ml, ये तो टोटल इनटेक हुआ। अब टोटल आउटपुट की बात करें, टोटल आउटपुट, टोटल आउटपुट की अगर मैं बात करूं तो टोटल आउटपुट के अंदर एक तो है आपका यूरिन जो किडनी के द्वारा एक्सक्रीट होता है एंड दैट इज योर 1500 ml, और स्टूल के द्वारा फीकल मैटर के अंदर 100 ml। और अगला सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अक्सर एग्जाम्स के अंदर आता है आपका इनसेंसिबल वाटर लॉस, इनसेंसिबल वाटर लॉस। और इनसेंसिबल वाटर लॉस होता है वो कितना होता है, दैट इज 1000 से 1400 ml। आपको वैसे एग्जाम के अंदर पूछे तो ज्यादा करेक्ट आंसर करना है वो 1000 ml करना है, कहीं कहीं 800 ml भी देखा है लेकिन वो गलत है। अगला है इनसेंसिबल वाटर लॉस 1000 से 1400 ml, ये भी दो तरीके से होता है, ज्यादा किसके द्वारा होता है, स्किन के द्वारा, स्किन के अंदर होता है 600 to 800 ml, और दूसरा होता है लंग्स के द्वारा, तो लंग्स के द्वारा होता है वो होता है आपका 400 to 600 ml। तो अगर आपको वैसे तो एवरेज वैल्यू सेलेक्ट करनी है, स्किन के अंदर पूछे तो 800, 600, 1400, तो उसका एवरेज हो गया 700, और लंग्स के अंदर पूछे तो एवरेज हो गया आपका 500, बट फिर भी अगर ये ऑप्शन नहीं है तो आपको लोअर वैल्यू टिक करनी है। इज इट क्लियर? तो ये आपका टोटल हो गया 1500, 1600 और 1000, 2600 से लगाकर 3000 ml, ये आपका आउटपुट हो गया। तो वी आर जनरली इन नेगेटिव बैलेंस, इनटेक एंड आउटपुट, और वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज स्किन एंड लंग्स। इनसेंसिबल वाटर लॉस कहीं एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आता भी है कि स्किन के द्वारा कितना होता है, लंग्स के द्वारा कितना होता है, टोटल कितना होता है। तो टोटल पूछे जो 1000, स्किन के द्वारा पूछे तो 600 से 800 ml, और लंग्स के द्वारा पूछे तो 400 to 600 ml। तो ये बात हुई आपकी बेसिक फ्लूइड की। कल मैं बात करूंगा फ्लूइड्स के टाइप जो हम देखते हैं, आइसोटोनिक फ्लूइड कौन सा होता है, हाइपोटोनिक कौन सा होता है, हाइपरटोनिक कौन सा होता है, उनकी कंसंट्रेशन कितनी होती है, ऑस्मोलिटी कैसे निकालते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर समझ में आता है तो लाइक करें एंड शेयर करें।